महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज मुरादाबाद में विद्यालय के छात्रों द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की पूर्व संध्या पर कॉलेज परिसर में छात्रों द्वारा कला के माध्यम से दोनों महापुरुषों के चित्र बनाए गए और छात्रों ने अपनी कला के माध्यम से दोनों महापुरुषों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य मेजर राजीव ढल ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष और अमृत महोत्सव के अंतर्गत छात्रों द्वारा अपनी कला के माध्यम से अनोखे तरीके से इन महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विद्यालय के छात्रों द्वारा भविष्य में भी अमृत महोत्सव के अंतर्गत अनेक प्रकार के कार्यक्रम की योजना तैयार की गई है। वर्ष भर इस प्रकार के आयोजन होते रहेंगे। चित्र बनाने वाले छात्रों में तसव्वर हुसैन, सिद्धार्थ कुमार, अरुण शर्मा, विशाल, विजय, आकाशदीप, रविंद्र पाल, अरुण, अजय कुमार, निखिल पाल, सामी आदि छात्रों ने चित्र बनाए। इस मौके पर अनूप कुमार अग्रवाल, संगीता कुमारी, कुसुम चौहान, ग्रंथ सिंह, अंशु सिंह, दीप्ति सिंह, प्रधानाचार्य मेजर राजीव ढल, दीपेंद्र कुमार, आदित्य कश्यप आदि का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य मेजर राजीव ढल ने सिटी चैनल संवाददाता को बताया। आज ये महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज मुरादाबाद के अंदर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की पूर्व संध्या पर अपना अमृत महोत्सव जो चल रहा है, हमारी 75वीं वर्षगांठ चल रही है आज़ादी की, उस उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम किया गया जिसमें कला के जो छात्र थे हमारे, उन्होंने अपनी कला के माध्यम से चित्रों को उकेर के उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की इन महापुरुषों को, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भी योगदान दिया और बाद में स्वतंत्र भारत में जब देश आज़ाद हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो देश के प्रधानमंत्री भी बने और महात्मा गांधी जी जो राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने उनके चित्रों को उकेर के उन्होंने प्रयास करा है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करी है।